बड़े ही धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर भी फहरा तिरंगा। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर 15 अगस्त को आजादी के अमृतकाल के रूप में पूरे क्षेत्र में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं क्षेत्र के सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर भी तिरंगा झंडा फहराया गया, जिसके क्रम में सबसे पहले शहीद उपवन मध्यपार में स्थित 1962 चीन युद्ध में शहीद हुए अमर शहीद भगवती सिंह के आदमकद प्रतिमा के सामने तिरंगा झंडा फहराकर नारे लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से शहीद की 85 वर्षीय पत्नी व क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, प्रमोद सिंह आदि लोग मौजूद रहे। इसी कड़ी में पटेल चौक पर पूर्व फौजी शिव प्रसाद सिंह व समाजसेवी शिवमूर्ति सिंह के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया। ध्वजारोहण के दौरान पूर्व फौजी शिव प्रसाद सिंह व समाजसेवी शिवमूर्ति सिंह के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया। ध्वजारोहण के दौरान लोगों ने भारत माता के नारे भी लगाए। इसी कड़ी में राजा जयलाल सिंह सौसया संयुक्त चिकित्सालय पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर यश के ध्रुव के नेतृत्व में डॉक्टर व स्टाफ नर्स ने अस्पताल परिसर में तिरंगा झंडा लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। तत्पश्चात एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अमर शहीद राजा जयलाल सिंह के वंशजों को सम्मानित किया गया। इसी क्रम में BHS नर्सिंग कॉलेज गोविंदपुर में हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां मेडिकल कॉलेज की छात्राओं को मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। इसी कड़ी में थाना परिसर अतरौलिया में थाना प्रभारी परमेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में तिरंगा झंडा फहराया गया। तत्पश्चात पुलिसकर्मियों ने तिरंगे को सलामी दी। इसी कड़ी में RS इंटर कॉलेज नगर पंचायत अतरौलिया में हर्षोल्लास के साथ तिरंगा झंडा फहराया गया, तथा विद्यालय के बच्चों ने हाथों में झंडा लेकर नगर में प्रभात फेरी भी निकाली। इसी कड़ी में खंड विकास कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में भी बड़े शान से तिरंगा झंडा फहराया गया। वहीं पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने भी हाथों में तिरंगा लेकर नगर पंचायत में तिरंगा यात्रा निकाली। पूरे क्षेत्र में 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा झंडा फहराया गया। 15 अगस्त अपने आप में एक उत्सव है, भारत देश का उत्सव है, एक पर्व है। यहाँ के देशवासियों के इतनी गर्व की बात है, और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो शहीद फैमिली है, तो मेरे लिए तो बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को, और यहाँ पे होना मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं यही सबसे अपील करूँगा कि हमारे देश के जितने भी शहीद हैं उनके परिवारों की इज्जत की जाए, उनको याद किया जाए, कम से कम आज के दिन सबको याद किया जाए। इस देश की आज़ादी को समझना चाहिए कि कितनी मेहनत से हमें आज़ादी मिली है। यह बाबू भगवती प्रसाद सिंह 1962 में चीन युद्ध में शहीद हो गए थे, जिनकी दामाद बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह इस कार्यक्रम को हर साल करते हैं। हम लोगों को हर कार्यक्रम में, कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, चाहे शहीद विषय में कार्यक्रम हो, हर साल हम लोगों को इस बुलाते हैं। अब बहुत स्नेह, बहुत प्यार इस परिवार से हम लोगों को मिलता है, और इनके द्वारा बताए हुए कदमों पे डॉक्टर राजेंद्र सिंह हमेशा चलने का प्रयास करते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरा देश जश्न मना रहा है। आज हम मध्यपार इस शहीद उपवन में 1962 के युद्ध में, चीन के युद्ध में शहीद हुए स्वर्गीय भगवती सिंह के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और झंडा ध्वजारोहण करके 15 अगस्त का त्यौहार हम लोग आज यहाँ मना रहे हैं। आप ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि भी हैं और एक उपवन को बड़ा सुंदर बना रहे हैं, ये और कितना सुंदर बनाने का आप इस अवसर पर कुछ बताइए। इसमें पहले बाउंड्री वॉल और बैरिकेटिंग था, गेट था, इसका प्रोग्राम हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और आगे कुछ और भी अगर सुंदरीकरण में आएगा तो हम लोग कराए जाएंगे। अब पहले तो आप लोगों का हम धन्यवाद करेंगे कि आप लोग अपना समय निकाल करके शहीद उपवन में आते हैं, शहीद परिवार के प्रति अपनी आस्था रखते हैं। ये बहुत महान कार्य आप लोगों के हृदय में है, भगवान आप लोगों की इसी तरह से इच्छाएं बनाए रखें। ये शहीद उपवन जो इस ग्रामवासियों की तरफ से, क्षेत्रवासियों की तरफ से, प्रमुख जी की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से हर समय समय पर इसकी इमदाद करते हैं, इसकी सर सफाई पर ध्यान देते हैं, इसके विकास के लिए तत्पर रहते हैं, तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। मातृभूमि 1962 में चाइना युद्ध में करते हुए चीनी सैनिकों को मार करके अपना अंतिम बलिदान दिए 27 साल की अवस्था में, आज हम लोग उनको माल्यार्पण करते हैं। हम लोगों की आंखें नम हो जाती हैं कि जो बहादुर देश की सेवा के लिए
लड़ते हुए अपना अंतिम बलिदान दिया। उनकी विधवा ललिता देवी जो 84-85 साल की हैं आज भी हैं, और वो हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडारोहण बड़े उत्साह के साथ करके उनको माल्यार्पण करती हैं। हम गौरवशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रांगण में ऐसे इंसान की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं जो देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया है। उसको करने के बाद यहाँ के बच्चे जो आते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमारे देश का मान और स्वाभिमान कायम रहे, और यहाँ से प्रेरणा लेकर के वो जाते हैं। यह हर साल होता है। धन्यवाद। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे।